हेलो दोस्तों, माँ की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है, आपको तो पता ही होगा, जी हाँ, तवा चिकन। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। तवा हमारा ऑलरेडी गर्म था तो तेल हमारा गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, 3-4 पुदीना के पत्ते। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे तेल में। ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक मीडियम साइज कटी हुई प्याज। प्याज जो है मैंने मीडियम साइज ली हुई है। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में। याद रखिए, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, हम हल्का पिंकिश इसे होने देंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमारी हल्की पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। पेस्ट हम लोग ने डाल दी है, इसे हम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट और कांदा हमने अच्छे से एक साथ फ्राई कर लिया है। इसे हम हल्का सा फ्राई करने वाले हैं, इसे भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 4 हरी मिर्च और उसके साथ नमक। इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें हल्के हल्के घुमा के अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी साइज की हाइब्रिड टमाटर को हम मिक्स करके अच्छे से इसे थोड़ा सा स्मैच करेंगे टमाटर को। अब हम इसमें डालेंगे पानी ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगे ना, जले ना। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को हम पकने देंगे। टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। चिकन जो है मैंने बोनलेस इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मसालों के साथ चिकन जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा। आप चाहो तो नॉर्मल चिकन, बोन वाला, हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा टाइम लेगा और पकने में उसे टाइम लग जाएगा, इसलिए आप बोनलेस चिकन ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चिकन को हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसमें मैं जब जब मुझे लगेगा तब हल्का हल्का पानी ऐड करती रहूँगी, जैसे मैंने अभी पानी ऐड किया हुआ है, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे चिपके ना और जले ना। तो मैंने पानी ऐड करके इसे वापस मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से इसे घुमा रही हूँ। इसे हम घुमाते रहेंगे क्योंकि मसाले जो है हमने हल्के 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 पकाए थे, उसे हम पूरी तरीके से पकाए नहीं थे। अब चिकन के साथ हमारे सारे मसाले भी प्रॉपर पक जाएंगे और साथ में हमारा चिकन भी पकता रहेगा। देख सकते हैं मैं इसमें वापस पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मसाला नीचे चिपक रहा है, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हो हमारा चिकन जो है कितना जूसी लग रहा है और ये नीचे चिपका भी नहीं है क्योंकि इसमें पानी ऐड हुआ है। हम इसे अच्छे से घुमाते रहेंगे। पानी और मसाला दोनों अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है और हमारा चिकन हल्का हल्का पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए ढक लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से पकता रहे। ध्यान दीजिए, चिकन ढकने के बाद भी आपको इसे बीच बीच में खोल के देखते रहना है ताकि हमारा पानी जो है वो सूख ना जाए और मसाला नीचे चिपक के जल ना जाए। चिकन जो है पक चुका है। मुझे 10 से 12 मिनट लगे इसे पकाने में, आपको शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड आपके चिकन की साइज़ कितनी है। यस, ये प्रॉपर तरीके से पक गया है। आप इसी तरह इसे बना के ज़रूर देखना। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करिए। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने इसे ड्राई बनाया है, आप चाहे तो पानी ऐड करिए, थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके आप इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। चलिए अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। हरे धनिए से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी पुदीना, उसके बाद मैं रखूंगी प्याज। प्याज को मैंने गोल काट के इस पे रख दिया है और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हमारी रेसिपी रेडी है।